राम राम सबको। सुबह का समय है 6 बजे का, यह नहर पर घूमने के लिए आए हुए हैं। सुबह का घूमना बहुत अच्छा लगता है, कितना सुहावना मौसम है। नहर पर चारों तरफ हरियाली है, इधर खेतों में धान खड़े हैं, ये गन्ना का खेत है इधर, ये साइड में यह नहर की जो पटड़ी हो चलने वाली, एक साइड रद्द हो यार, एक साइड चलने वाली हो, वह पक्की कर रखी है रोड से लगभग 2 किलियां तक की। और ये नहर है, ये भी सीमेंटेड पक्की करी हुई है, इसमें पानी चल रहा है आधे से नीचे। ये पटड़ी के बीच में खंभा आ रहा है लाइट वाला। तो वो क्या 9 बज रहे हैं, अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में जाने की तैयारी हो रही है, जो स्टैंडर्ड 450 लेकर जाऊंगा और जाके ने सरसम के लिए ज़मीन की जुताई शुरू करूंगा। 4-5 दिन पहले भी करी थी सरसम वाली ज़मीन की जुताई, लेकिन ऊपर से फिर बारिश होगी है तो अभी भी गिल्ली, लेकिन उसको छड़ूंगा गिल्ले में ही, जब जाकर ज़मीन कुछ हल्की फुल्की हो पाएगी। अगर नहीं वो छड़ी तो सरसम का टाइम निकल जाएगा, ज़मीन आ नहीं पाएगी, तैयार नहीं हो पाएगी सरसों के लिए। ये अपना स्टैंडर्ड ट्रैक्टर है, कई साल से ले रखा है, अपने का बहुत पसंद है, और आगे वो लैंड भी खड़ा है, लेकिन उससे ये मैं अच्छा मानता हूँ। बेहतर कर दे, खेत की तरफ रोड जाता है, उस रोड पर चल रहे हैं ट्रैक्टर लेके, और ये इधर मोटर लगी हुई है बाढ़ का पानी निकालने के लिए। ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी भर गया था खेतों में, देखिए यह आगे रेलवे लाइन आ गई है, रेल का पुल है, इसको 6-7 साल हो गए बनते हुए, अभी तैयार नहीं हुई है, कोई ट्रेन नहीं चल रही इस पर, पता नहीं कि 1-2 साल और लगता होगा लगभग। इतना नीचे का बना दिया पुल, यहाँ पर पानी भरा ही रहता है कीचड़, बारिश होगा जब जमा हो जाए पानी, परेशानी रहे आने जाने वाले को, बाइक तो ये समझो खराब ही हो जाती है यहाँ पर निकल निकल के। देख लो धान पक्के पीड़े हो रहे हैं, ज्यादा तगड़े थे वहाँ गिर चुके हैं, भाई अगर टंकी लेकर जा रहे हैं वहाँ उनकी रक्षा मत पड़ गया नीचे लग रहे हैं। Yeah, you do, buddy. Yeah, I know.
कट्टा कट्टा में देख ले और क्या है। अस्त्री नू हांड दा की वीडियो बना दियो साबत की साबत। बता तो देव के कर है जी कर मशीन के नट रेडी करो जल्दी ना। ये मशीन के नट कर ले कर लेते हैं क्यों बवाएं फिर। मिस्त्री बना है नट को जोड़े करने हैं। फेडी ले क्यों करे थे। अच्छा तार नहीं रखी थी।
आ गए हो।